सब्सक्राइब कीजिए फिल्मी बीट, दबाए बेल आइकन और पाएं एंटरटेनमेंट से जुड़ी खबरें सबसे पहले। मैं हूं आयुष्मा और आप देख रहे हैं फिल्मी बीट। सपना चौधरी ने सलमान खान के साथ डांस करते हुए टीवी शो बिग बॉस में एंट्री ली थी। सपना को यूट्यूब सेंसेशन माना जाता है। फेसबुक पर उनके 11 लाख से ज्यादा फॉलोअर्स हैं। सपना हरियाणवी लोकगीत रागनी गाने के लिए जानी जाती हैं और साथ ही उन गीतों पर डांस करने के लिए मशहूर हैं। लेकिन ये पहला मौका है जब सपना उत्तर भारत छोड़ मुंबई गई हैं। लेकिन उनकी मां नहीं चाहती थी कि वो अकेली जाएं। एक लीडिंग वेबसाइट से बातचीत में सपना की मां नीलम चौधरी ने कहा, मैंने अपनी छोरी को कभी किसी स्टेज प्रोग्राम में अकेले जाने नहीं दिया और ये तो एक महीने से ज्यादा लंबा शो चलेगा, इसलिए पिछली बार बिग बॉस का ऑफर भी मैंने ठुकरा दिया था। ये पहला मौका है कि वो कहीं अकेली मेरे बिना इतने दिनों तक रहेगी। सितंबर का महीना सपना चौधरी के जीवन में खास है। सितंबर के महीने में ही सपना चौधरी पैदा हुई थी। पिछले साल इसी महीने की 4 तारीख को सपना ने खुदकुशी करने की कोशिश की थी और इस साल इसी महीने में उन्हें बिग बॉस का ऑफर मिला। 1 अक्टूबर से टीवी का चर्चित रियलिटी शो बिग बॉस सीजन 11 शुरू हो गया है। हरियाणा की मशहूर सिंगर और डांसर सपना चौधरी भी बिग बॉस के घर में मौजूद है। खैर, सपना बॉलीवुड में एंट्री करना चाहती हैं। उनके परिवार को लगता है कि बिग बॉस वो पहली सीढ़ी है जिस पर सवार होकर सपना फिल्मी दुनिया में अपने जलवे बिखेर पाएंगी। सपना की मां के मुताबिक रागनी गाने और डांस करने में कोई शोहरत नहीं है। जहां से हम आते हैं लोग दिलचस्पी लेकर शो देखते तो हैं, तारीफ भी करते हैं, लेकिन लोगों की आंखों में इस काम को लेकर इज्जत नहीं है। इसलिए सपना की जिद के आगे वो हार गई और बिग बॉस में जाने की इजाजत दे दी। नीलम चौधरी ने आगे कहा कि मेरी लड़की भी अपने काम में जीत और मेहनत करती है, दिन रात उसकी तैयारी करती है। 3 घंटे के शो में कम से कम 4-5 गाने और 10-12 डांस करने होते हैं। 20-22 लोगों की पूरी टोली होती है। पैसे भी खूब है लेकिन कमी है तो बस इज्जत की। ऐसा नहीं है कि सपना ने सिर्फ अपने शो के लिए डांस को पेशे के तौर पर चुना है। छोटी सी उम्र में सपना ने कई उतार चढ़ाव देखे हैं। सपना 12 साल की थी जब उनके पिता की बीमारी से मौत हो गई। परिवार में पिता अकेले कमाने वाले थे। पिता की मौत के बाद मां ने छोटी सी नौकरी कर 4 लोगों के परिवार को किसी तरह पाला। सपना किसी तरह 12वीं तक ही पढ़ाई पूरी कर पाई। सपना की मां चाहती थी कि ओपन यूनिवर्सिटी से सपना आगे की पढ़ाई पूरी करे, लेकिन घर की आर्थिक स्थिति ने इसकी इजाजत नहीं दी। सपना को बचपन से डांस करने का शौक था और मां को रागिनी सुनने का। आपको बता दें कि 2011 में पहली बार दिसंबर के महीने में सपना ने पहला स्टेज शो किया। उनकी मां इस शो के लिए साथ गई थी। हालांकि वो नहीं चाहती थी सपना ऐसा करे, लेकिन आर्थिक स्थिति और सपना की जिद के आगे पहली बार उन्होंने हार मान ली। 2011 से 2017 तक के सफर में सपना की कमाई कई गुना बढ़ गई है। आज एक शो के लिए सपना 1.5 से 2 लाख रुपए कमाती है। लेकिन ये बदलाव रातों रात नहीं आया। शुरुआती सालों में सपना को डांस और गाने के जो ऑफर आते थे वो किसी दूसरी पार्टी के जरिए आते थे, लेकिन 2015 में सपना ने खुद की पार्टी बनाई और फिर कमाई ठीक ठाक होने लगी। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। टेलीविजन और बॉलीवुड की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए देखते रहिए फिल्मी बीट।